अपने भक्त को समुद्री तूफान से बचाने के लिए आए स्वयं हनुमान जी। आंधी तूफान भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। हनुमान जी की शक्ति और सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उनके पास समाधान ना हो। ऐसी कोई शक्ति नहीं जिन्हें वो हराना ना जानते हो। हर बाधा को पार करके अपने भक्तों का बेड़ा पार लगाने वाले हैं हनुमान। तो क्या हुआ जब भीषण चक्रवात से भगवान ने बचाए अपने भक्तों के प्राण? पूरी बात जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे जरूर कर लें और हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। सुंदरदास ओडिशा में रहने वाले एक गरीब मछुआरे थे जो समुद्र तट पर मछलियां पकड़कर बेचा करते थे। वो मछलियां बेचा तो करते थे पर खुद नहीं खाते थे क्योंकि वो हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्हीं की तरह ब्रह्मचर्य और शाकाहार का पालन करते थे। सुंदरदास अक्सर नाव में हनुमान जी के भजन सुनाया करते थे और अपनी सीमित साधनों में जीते हुए भी हमेशा खुश रहते थे। पर सुंदर की जिंदगी आसान नहीं थी। यहाँ हर साल भीषण बारिश और समुद्री तूफानों की समस्या रहती थी। वैसे तो ज्वार भाटा मछुआरों के लिए फायदेमंद था क्योंकि लहरों के साथ बहुत सी मछली किनारे आ जाती थी, लेकिन ऐसे भयंकर तूफान अक्सर पूरे शहर को तबाह कर देते थे और भयंकर जान माल का नुकसान करते थे। सुबह सुबह टीवी और रेडियो पर ये सूचना मिली कि समुद्र में तूफान आने की संभावना है तो मछुआरों से अनुरोध है कि वो बाहर ना निकलें और अगले संदेश का इंतजार करें। ये सूचना सुनकर सब डर गए और अपना सामान लेकर सुरक्षित जगह पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सुंदरदास को ये लगा कि इसके बाद शायद वो कई हफ्तों तक समुद्र में उतर ना सके। जब तक समुद्र का वेग कम है तब तक इसका फायदा उठाया जाए ताकि अगले पूरे महीने का इंतजाम हो जाए। गाँव के बाकी लोगों ने सुंदरदास को मना किया पर वो नहीं माना। उसने अपनी नाव निकाली और उसमें जाल भरकर रवाना हो गया। पूरे रास्ते वो बजरंगबली का नाम जपता रहा। समुद्र में उसकी नाव अकेली थी और दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। सुंदरदास मछली पकड़ने लगा। अभी उसने कुछ ही मछलियां पकड़ी थी कि मौसम खराब होने लगा और तेज हवाएं चलने लगी, पर सुंदरदास रुका नहीं। उसने सोचा कुछ और मछलियां पकड़ लूं, तभी तो आया हूं। ये सोचते सोचते वो काफी देर तक वहां बना रहा। तब तक मौसम बहुत विकराल रूप ले चुका था। सुंदरदास ने अपनी नाव मोड़ने की कोशिश की लेकिन समुद्र की लहर के बहाव में नाव फंस गई। नाव के फंसते ही सुंदरदास को अपनी गलती का एहसास होने लगा। नाव समुद्र में गोते लगाने लगी थी और समुद्र का पानी नाव में घुसकर उसे डुबोए जा रहा था। सुंदरदास ने नाव को चलाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाव आगे बढ़ने की जगह लहरों में बहने लगी। अब सुंदरदास को अपनी मौत नजदीक दिखने लगी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, आवाज लगाई, पर आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। हार कर उसने हनुमान भगवान को याद किया। वो बोला, हे बजरंगबली, मुझ पर कृपा करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। आप मेरा उद्धार करो वरना शायद आप अपना एक भक्त खो बैठोगे। ऐसा कहकर सुंदरदास वहीं गिर गया। तभी उसे ऊपर से एक जोर से आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उसने आज तक अपने इलाके में कभी कोई हेलीकॉप्टर नहीं देखा था। उसके देखते ही देखते हेलीकॉप्टर नीचे आया और उसके सामने जाकर उसे ऊपर आने को कहने लगा। सुंदरदास तुरंत ऊपर चढ़ गया और बचा लिया गया। जब सुंदर ने हेलीकॉप्टर वालों को अपनी कहानी सुनाना शुरू की तो पायलट ने उसे रोककर कहा, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी मालूम है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ, वरना इस वीराने में तुम्हारा पता किसको लग सकता। सुंदरदास ने मन ही मन सोचा, क्या भगवान हो? तो उसकी अंतरात्मा से एक आवाज आई कि हाँ, ये हनुमान है। पायलट ने विमान को नीचे कर सुंदरदास को उतरने में मदद की और फिर तेज गति से चला गया। सुंदरदास ने जब अपने साथ बीती हुई घटना और हनुमान जी के चमत्कार से अपनी जान बचने का किस्सा गांव वालों को सुनाया तो सबने हनुमान जी की महानता को शत शत नमन किया। फिर सबने एक साथ बजरंग बली का उद्घोष किया। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हनुमान जी के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय बजरंगबली।